बीजेपी विधायक नीतीश राणा ने शिवसेना को लेकर बड़ा दावा किया। नीतीश राणा ने दावा किया है कि ठाकरे गुट के उम्मीदवार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव घड़ी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। नीतीश राणा के इस दावे के बाद राजनीतिक चर्चाएं छिड़ गई है। इसका जवाब शिवसेना के विधायक वैभव नाइक ने दिया। वैभव नाइक ने नीतीश राणा को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा, इसलिए नीतीश राणा को हमारे विधायकों और पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आपको बीजेपी में अपना पद और मंत्री पद कैसे मिलेगा। भले ही हमारा लोगो नाम चला गया हो, लेकिन पार्टी का आकार दोगुना हो रहा है। राणे को अपने वरिष्ठों से चर्चा कर जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। बीजेपी विधायक नीतीश राणा ने शिवसेना को लेकर बड़ा दावा किया। नीतीश राणा ने दावा किया है कि ठाकरे गुट के उम्मीदवार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव घड़ी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। नीतीश राणा के इस दावे के बाद राजनीतिक चर्चाएं छिड़ गई है। इसका जवाब शिवसेना के विधायक वैभव नाइक ने दिया। वैभव नाइक ने नीतीश राणा को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा, इसलिए नीतीश राणा को हमारे विधायकों और पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आपको बीजेपी में अपना पद और मंत्री पद कैसे मिलेगा। भले ही हमारा लोगो नाम चला गया हो, लेकिन पार्टी का आकार दोगुना हो रहा है। राणे को अपने वरिष्ठों से चर्चा कर जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। बीजेपी विधायक नीतीश राणा ने शिवसेना को लेकर बड़ा दावा किया। नीतीश राणा ने दावा किया है कि ठाकरे गुट के उम्मीदवार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव घड़ी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। नीतीश राणा के इस दावे के बाद राजनीतिक चर्चाएं छिड़ गई है। इसका जवाब शिवसेना के विधायक वैभव नाइक ने दिया। वैभव नाइक ने नीतीश राणा को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा, इसलिए नीतीश राणा को हमारे विधायकों और पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आपको बीजेपी में अपना पद और मंत्री पद कैसे मिलेगा। भले ही हमारा लोगो नाम चला गया हो, लेकिन पार्टी का आकार दोगुना हो रहा है। राणे को अपने वरिष्ठों से चर्चा कर जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए।